स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों इससे पहले हम लोग पिछले सेशन में प्रीवियस ईयर के जो बीपीएससी में सीडीपीओ के एग्ज़ाम हुए हैं उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे थे। हम लोगों ने 150 तक प्रश्नों को देखा और उसे हल किया है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए 151 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पे जितने भी व्यूवर नए हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर देंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क दोस्तों जावा सुमात्रा से था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जावा सुमात्रा। इसे व्याख्या के रूप में हम लोग थोड़ा सा और जान लेंगे। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि देवपाल जो थे उन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो परम सौगात के नाम से भी जाना जाता है। उसने जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इस तरह के घुमा घुमा के पूछेंगे। तो यहाँ से कि शैलेंद्रवंशी शासक कौन था, तो बालपुत्र देव थे जिसके अनुरोध पर उन्होंने 5 गांव दान दिए थे बौद्ध विहार बनाने के लिए नालंदा में। नेक्स्ट देखते हैं, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। अभी से पहले हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन को देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बालपुत्र देव। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदेल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल से संबंधित है। तो चंदेल जो है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि चंदेल जो है, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने किया था, चंदेलों ने किया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खजुराहो जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में कदम का उल्लेख नहीं हुआ है, चेर पांडे और चोल का उल्लेख किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कदम। नेक्स्ट है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था। तो उरेयूर जो थे कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वारनम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका सीडीपीओ में पूछा गया है 2005 के एग्ज़ाम में। तो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है प्रश्नों को, चंदबरदाई के द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट है, स्वप्न वासव दत्त के लेखक हैं। स्वप्न वासव दत्त के लेखक दोस्तों भास हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञा, योगन धरानय, स्वप्न वासोदत्त, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार,
मध्यम व्यायोग्य, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। ये जो लेखक होते हैं उनसे संबंधित जो पुस्तक हैं बार बार पूछे जाते हैं दो तीन, तो यहाँ पे इसके बारे में जानना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए से मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव जो है वो कालिदास ने लिखा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इनमें 17 सर्ग हैं जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म का कथा वर्णित है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनेंगे कि कुमार संभव में किसकी कहानी है, किसका वर्णन है, तो कार्तिकेय का है। नेक्स्ट है, कीर्तार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? तो कीर्तार्जुनीय पुस्तक भारवी ने लिखा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो व्यापारिक मार्गों पर कौन सा पुस्तक मौन है? तो मिलिंद पन्हू। कौन सा है? मिलिंद पन्हू, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे देखते हैं थोड़ा डिटेल में। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हू में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि इसमें किन दो लोगों के बीच वार्तालाप का वर्णन है, तो नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर। नेक्स्ट है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक वानभट्ट ने लिखी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक वानभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि हर्षचरित किस वंश का प्रमुख स्रोत है? तो हम लोग कह सकते हैं यह वर्धन वंश का स्रोत है। यह एक आख्यायिका है, इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम के काल में हुआ था। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था या किसके शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ राजराज प्रथम ने किया था और चोल साम्राज्य के काल में हुआ था। यहाँ से दो क्वेश्चन बनने के चांसेस है। नेक्स्ट है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ पे ग्राम स्तर पे बहुत सशक्त था ग्राम स्तर, इसीलिए चोल काल बहुत ही प्रसिद्ध था। व्याख्या को देखते हैं। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि गांव की जो संस्था थी वो किस काल में बहुत ज़्यादा सशक्त थी। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए चोल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपका 86वां बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। उनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। जब चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता क्या है? तो हम लोग कहेंगे गोपुरम है, यानी प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो कौन से धर्म का? तो बौद्ध धर्म का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया।
तो नालंदा विश्वविद्यालय कब अस्तित्व में आया? तो गुप्तों के समय आया। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनते हैं, सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त, तथागुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया। नेक्स्ट है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम था हरियक वंश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियक वंश। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी सीडीपीओ में 2005 में पूछे गए हैं, तो और ये क्वेश्चन पिछले भी एक बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार देख रही हूँ कि दोहराया जा रहा है। तो ये इस तरह के जो प्रश्न हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और इसकी व्याख्या को अच्छे से समझेंगे। मगध का शासक अजात शत्रु जो था वो 492 से 460 ईसा पूर्व के बीच रहा। अपने पिता एवं हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। ये जो अजात शत्रु थे, इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे थे। बिंबिसार कौन था? हरियक वंश का संस्थापक था। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। यानी कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या बिंबिसार की और गद्दी हासिल किया, और फिर बिंबिसार अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने करके वहाँ से राजगद्दी हासिल की थी। नेक्स्ट है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। आंसर हो जाएगा अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था तो सबसे पहले अलार कलाम एवं रुद्रक से ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास किया था। ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, सीडीपीओ की परीक्षा में पूछी गई है 2005 में। ये क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि सीडीपीओ में किस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं, और आगे जेपीएससी लगभग फॉलो करता है, उसका सिलेबस सेम होता है, तो पूछे जाने की संभावना बनती है। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं, महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम संख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ व्याख्या को पढ़ लेने और समझने से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, हम उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि व्याख्या पढ़ने के बाद आपके एक एक टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं। तो यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के हमारे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं कि हमारा एक एक टॉपिक क्लियर हो जा रहा है। नेक्स्ट है, अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, शिवाजी। अष्ट प्रधान जो था वो शिवाजी के दरबार में प्रचलित था। शिवाजी ने राज्य मराठा के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमन, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था, इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। इनका कार्य राज्य को परामर्श देना ही मात्र था, और मंत्रिमंडल हम इसको नहीं कह सकते हैं। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। तो जो 8 होते थे, 8 प्रधान, उसको अब हम लोग समझ लेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि अमात्य अथवा मजुमदार दे देगा कि राजा को कहते थे, दैनिक कार्य होता था या राजकीय कार्य होता था या वित्त एवं राजस्व मंत्री था। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से, इसलिए 8 को देख लेना जरूरी है। पेशवा का पद कौन था? तो राजा का प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। अमात्य अथवा मजुमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। वाक्यानवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था, वाक्यानवीस। चौथा है, सचिव तथा अथवा सुरुनवीस, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। पांचवा आपका सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री। छठा है सेनापति या सर या नौबत, सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करना। सातवां में है पंडित राव, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। और आठवां है दोस्तों न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट है, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था?
तो अष्ट प्रधान का गठन शिवाजी ने किया था, आंसर होगा ऑप्शन डी। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी तो किसके प्रशासन में थी, तो मराठा प्रशासन में थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ था। वृद्धरथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमिंद्र सुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने वृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट था, ये क्वेश्चन भी 48 से 52 में बीपीएससी में 2008 में पूछा गया। तो अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, तो आंसर हो जाएगा जाम्बिक ग्राम, ऑप्शन डी। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, फलतः वे कैवलीन कहलाए। तो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि कैवल्य वह कब कहलाए, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वह क्या कहलाने लगे, कैवलीन कहलाए। नेक्स्ट है अंग जनपद की राजधानी थी, अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे, इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। नेक्स्ट है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजतरंगिणी में किसका वर्णन मिलता है, तो कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जैसी 1128 से 1149 के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है गुप्तकाल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, तो किसके द्वारा की गई थी, सातवाहनों द्वारा की गई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी बीपीएससी द्वारा सीडीपीओ की जो परीक्षा 2022 में हुई थी उस समय पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे, तो उसे सातवाहनों द्वारा जारी किया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों द्वारा जारी किया गया था। ध्यातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सीमुक ने की थी। यहाँ से ही क्वेश्चन बन रहा है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की, तो सीमुक ने की। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान अवस्थित थी। राजधानी के बारे में पूछा जा सकता है कि वास्तविक राजधानी क्या थी। नेक्स्ट है अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया, तो इस तथ्य में किसने विश्वास किया था, तो रोमिला थापर ने विश्वास किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमिला थापर। ये प्रश्न भी देखिए सीडीपीओ की परीक्षा जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट की गई थी 2022 में उसमें पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था, तो इसका प्रशस्ति का लेखक था हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति को लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये प्रश्न भी देखिए दोस्तों सीडीपीओ की परीक्षा में 2022 में पूछा गया है, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं, संधि विग्रह, कुमार मात्य तथा महादंड नायक आदि। नेक्स्ट है बड़ा बुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत जावा कला, ऑप्शन डी। दोस्तों
बोरोबुदुर जो है बोरोबुदुर भी कहते हैं स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला भारत जावा कला का उदाहरण है। इस स्तूप का निर्माण 8 से 9वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? ये प्रश्न भी देखते हैं, CDPO की परीक्षा में पूछी गई है दोस्तों 2018 में, BPSC द्वारा जो ली गई थी CDPO की परीक्षा 2018 में, उस समय पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 15 वर्ष। बिंबिसार का जन्म 558 से 559 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भट्टिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथागिर किसके द्वारा विजित की गई? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी खारवेल। ये भी देखिए क्वेश्चन CDPO की परीक्षा में पूछी गई है 2018 में। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथागिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुम्पा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्रश्न आपके बनने वाले हैं कि यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राजवंश, कर्नाट राजवंश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में आपका सूची दो दोनों दिया हुआ है। एक तरफ आपका विद्वान है, दूसरे तरफ उसका संबंध है, किससे संबंधित है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो सूची एक में है चरक, वो क्या थे? चिकित्सक थे, ब्रह्मागुप्त गणितज्ञ थे, वराहमिहिर जो थे वो ज्योतिष थे, विशाखादत्त नाटककार थे। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नीति सार जो है कामंदक के द्वारा लिखी गई है। कामंदक द्वारा नीति सार 1192 छंदों यानी श्लोकों का एक महत्वपूर्ण रचना है, जो 34 खंडों प्रकरणों के 20 अध्यायों या सर्गों या सर्गों में समूहीकृत है। इनमें अधिनियम की, अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं, राज्य इसके घटक और संरक्षण, अंतर्राज्य संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियाँ, युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए, परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र और कामंदक के नीति सार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। नेक्स्ट है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघ वर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। मेघ वर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा। समुद्रगुप्त ने सिलोन बौद्ध राजा मेघ वर्मन को बौद्ध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। तो दोस्तों, हम लोगों ने भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास के टॉपिक से जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जो BPSC में पूछे गए हैं, BPSC के द्वारा ली गई CDPO की परीक्षा है उसमें पूछी गई है, तो इससे संबंधित हम लोगों ने अभी तक कुल हम लोगों ने 187 प्रश्नों को किया है। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें CDPO से रिलेटेड प्रश्न होंगे या फिर और भी BPSC द्वारा ली गई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। और इसके आगे हम लोग फिर मॉडल प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, पहले टॉपिक पूरा हो जाए प्रीवियस ईयर का, उसके बाद उसे करेंगे। और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, फिर से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तब तक के लिए धन्यवाद।